This pro Indian COD mobile player dropped two nukes in the Snapdragon Pro Series India Stage 4. This player, Master, who formerly played for Revenant Esports now in Time 2 Pound, played against the Hell officials, wherein they 3-0'd them with Master nuking twice in Hardpoint and Control. निकाल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से इंची की एंगल यहाँ पे होल्ड करे, स्पेशली मास्टर की तरफ से रीपे को पिक यहाँ पे जो है किया जाएगा। बट अब बीस वन ऑफ द डेडली प्लेयर यहाँ पे टाइम टू बाउंड की तरफ से साबित हो रहे हैं। 10 किल ऑलरेडी कह रहे थे कि टाइम टू बाउंड के बाद भी काफी अच्छा एडवांटेज हो सकता है, उसकी तरफ से परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकल के आ सकती है। वो टाइम टू बाउंड को कंट्रोल छीनना चाह रहे हैं, बट हेल ऑफिशियल्स को दे हैव टू मेक दिस हार्ड पॉइंट काउंट। 30 सेकंड जो बचे हैं पूरे का पूरा उनके हाथ में रहना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। टाइम टू बाउंड यहाँ पे कंटेस्ट करें, कंट्रोल वापस से छीनने में सफल हो, अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हेल ऑफिशियल्स के प्लेयर, क्योंकि उनको थोड़ा सा तो यहाँ पे आई यूज कंटेस्ट करने की जरूरत है। इतना ज्यादा आप डोमिनेट नहीं हो सकते, यू हैव टू फाइट बैक एंड कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़े बहुत पॉइंट्स भी और भी क्या है। इस बार तो आखिरी के 3-4 सेकंड कंट्रोल भी रहेगा हार्ड पॉइंट का, लेकिन अब जैसे जैसे हार्ड पॉइंट बनेगा ऑलरेडी टाइम टू बाउंड के प्लेयर्स उसके ऊपर अपना कंट्रोल लेने के लिए जा चुके हैं। ये जो कूल डाउन का रीजन रहने वाला है, जो टाइम है अगले 2 सेकंड का, वो भी बिल्कुल टाइम टू बाउंड बहुत अच्छे यूटिलाइज कर रहे हैं। कंट्रोल्ड द हार्ड पॉइंट एंड ही एंटर करते हुए भी नजर आएंगे। आई गेस ये वाला मैच हो सकता है जहाँ पे एक टीम तो 250 मार्कर चल जाए एंड ओपोनेंट टीम 50 भी नहीं पहुंच पाएगी। एंड हेलो क्वेश्चंस के लिए आई गेस वैसा दिन जा रहा है। आई थिंक 50 शायद टच कर लेंगे, जिस तरीके से देयर स्टिल फाइटिंग, वो फाइटिंग स्पिरिट अभी भी हेल ऑफिशियल्स के अंदर है। दे आर नॉट गिविंग अप, इतना इजीली वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। दैट इज समथिंग जो एक हर एक ईस्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर होना चाहिए। थैंक यू नाउ दे आर प्रूविंग टू बी द बेटर टीम, जिस तरीके से यूज किया जा रहा है। एंड ये देखिए पूरी की पूरी टीम यहाँ पे धराशायी हो गई है। प्रेडेटर मिसाइल बहुत अच्छे तरीके से यूज की जा रही है, सेकेंड टाइम यूज की जाएगी प्रेडेटर मिसाइल किल यहाँ पे वापस से मास्टर निकालते हुए। वही मैं बात कर रही थी कि टाइम टू बाउंड सो फैंटास्टिक, सो एग्रेसिव, 180 का मार्क यहाँ पे टच हो चुका है। आई थिंक इसको 200 में भी तब्दील कर देंगे। अगेन पहली बार हमें गेम देखने को मिला है, नॉट जस्ट टुडे, ओवरऑल मैचेस जितने भी आते हैं, टाइम टू बाउंड बिकम द फर्स्ट टीम जो सिमेट्री बोर्ड में पहला राउंड स्कोर करने वाले, मतलब देयर इज नो सच थिंग एज बास्केट। ये फोर किल्स यहां पे हैं, ये दोनों लाइक इवन उनके बाद भी अगर बाकी टीममेट्स को देखें तो ऐसे नहीं बिल्कुल लैग कर रहे हैं, 25 प्लस उनके भी यहां पे नजर आते हैं। ओवरऑल परफेक्ट गेम प्ले, बढ़िया से मास्टर एंड बोन की तरफ से कुछ अलग ही डोमिनेशन नजर आ रहा है। अगर हेलो विजुअल्स की बात की जाए, स्टक ऑन 49 पॉइंट्स एंड टाइम टू फाउंड 25 पॉइंट की दरकार, ऑलरेडी सिक्योर द विक्ट्री। ऑल्दो कंट्रोल फ्रैग्स भी मिलेंगे उनको एंड सिर्फ 20 पॉइंट दूर है अपनी इस विक्ट्री को सिक्योर करने से। एक बहुत कंफर्टेबल पैटर्न है टाइम टू फाउंड ये फर्स्ट मैप जीता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, हेल ऑफिशियल्स के हाथ में ये हॉट पॉइंट से जाते हुए दिखाई दे रहा है। 241, 242, 243, 244 इजीली यहाँ पर जो है जीत हासिल कर लेंगे टाइम टू फाउंड के प्लस। अब तो यहाँ पे फाइट करने का भी कोई चांस नहीं है हेल ऑफिशियल्स के लिए। क्योंकि आज के दिन तो कह सकते हैं 3-0 के फैशन में अपना नाम करते हुए नजर आए। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम है, थोड़ा क्लोज डाउन करने का ट्राई जरूर देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जी एज वेल रीपर ऑल दो ट्रेड करने में कामयाब हुए जरूर है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मास्टर पहले भी न्यूक यूज किया था एंड वापस से यहाँ पे न्यूक एक्टिवेट हो चुका है। करेंगे सेकंड टाइम एंड मास्टर, ओह माय गुडनेस यहाँ पे मास्टर ने एक और बार न्यूक कर दिया एंड ये मैं देख पा रहा हूँ ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार न्यूक करा था एंड इस बार दूसरी बार न्यूक कर दिया।